एमपी के पुनासा में मूंदी से 12 किलोमीटर दूर रनगांव मार्ग पर ग्राम कावेश्वर मेंती प्राचीन कुंडकेश्वर महादेव मंदिर है। यहां पर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से कावेरी नदी को धरती पर उतारा था। महाशिवरात्रि पर यहां लगता है 5 दिन का मेला। हजारों की संख्या में आते हैं शिव भक्त। मूंदी से 12 किलोमीटर दूर रनगांव मार्ग पर ग्राम कावेश्वर में अति प्राचीन पौराणिक काल का कुंडकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यहाँ पर मंदिर की शिला पर भगवान शिव का पुराना शिवलिंग है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से यहाँ शिव भक्त पहुंचते हैं। और यहाँ पर कावेरी नदी का उद्गम स्थल के रूप में पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंड भी है, और इस कुंड में पानी भी स्नान करने के लिए बड़ी संख्या से दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि भगवान कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके स्नान के लिए अपना त्रिशूल चलाया, और वह त्रिशूल यहाँ कुंडकेश्वर महादेव के मंदिर के नीचे लगा, और यहाँ से कुंड के नीचे से कावेरी नदी का जन्म हुआ। वहीं ग्राम पंचायत के द्वारा हर साल महाशिवरात्रि पर्व को लेकर यहाँ पर 5 दिन का मेला भी लगाया जाता है, जिसमें आसपास के 20 गांव की जनता यहाँ आकर 5 दिन तक आनंद लेती है। मैंने मार्कंडे पुराण के अनुसार माँ कावेरी उगम स्थल है, यहाँ से कावेरी उत्पन्न हुई है। ये प्राचीन मंदिर है, वीरान हो गया था, इसको बाद में आबाद किया गया है, और शिवरात्रि में यहाँ छोटा सा मेला भरता है। 10-20 गांव के लोग आ जाते हैं। ये स्नान करने का कुंड है, और ये कावेरी यहाँ से उगम स्थल से मंदिर से कुंड में जाती है, और कुंड से ऐसा जाते लखन गांव है, कालमुखी तरफ जाती है, और यही कावेरी ने ओम ओम का नक्शा बनाया ओंकार जी में। ये कावेरी नर्मदा के धार काट के ओम बनाया है, रेवा कावेरी मध्य गौरी सोमनाथे सिकरे। ये प्राचीन नदी है, इसमें जल का अभाव थोड़ा कम है, और ये कुंडेश्वर महादेव है। यह नगरी है कावेश्वर गांव, छोटा सा आदिवासियों की नगरी है, उसके अनुसार हमारे यहाँ छोटो सा मंदिर है और छोटा सा मेला भी भरता है। 10-20 गांव के लोग मेला में आ जाते हैं। हम लोग महाशिवरात्रि को हमारे ग्राम के अनुसार, पंचायत के अनुसार थोड़े दीपक वीपक लगाते हैं, कम से कम 1100 दीपक लगाते हैं कभी शिवरात्रि में, और 10-20 गांव की महिला ना आती है यहाँ दीपक लगाने के लिए। और 5 दिवसीय मेला है, उसमें कुछ कार्यक्रम ले लेते, थोड़ा रामायण भागवत है, कोलगांव की टीम आती है, सुंदर कांड करते, कोई रामायण करते हैं रात्रि में, 24 घंटे का जागरण रखते हैं, और हमारे परिस्थिति के अनुसार पब्लिक की सेवा करते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।